युग की धारणा हमें पुराण और ज्योतिष में तीन तरह से मिलती है। पहली वह जिसमें युग लाखों वर्ष का होता है और दूसरी वह जिसमें युग 5 वर्ष का होता है और तीसरी वह जिसमें एक युग 1250 वर्ष का है। हम तीनों के मान से श्री राम के जन्म को समझने के बाद आधुनिक युग में हुए शोध को समझते हैं। पहली लाखों वर्ष के एक युग की धारणा पुराणों के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म त्रेतायुग और द्वापर युग के संधिकाल में हुआ था। सत्युग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलियुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। कलियुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। इसका मतलब 3102 + 2019 = 5121 वर्ष कलियुग के बीत चुके हैं। उपरोक्त मान से अनुमानित रूप से भगवान श्री राम का जन्म द्वापर के 8,64,000 प्लस कलियुग के 5121 वर्ष इक्वल्स 8,69,121 वर्ष अर्थात 8,69,121 वर्ष हो गए हैं प्रभु श्री राम को हुए। कहते हैं कि वे 11,000 वर्षों तक जिंदा वर्तमान रहे। परंपरागत मान्यता अनुसार द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष पर राम की वर्तमानता के 11,000 वर्ष पर द्वापर युग के अंत से अब तक बीते 5,121 वर्ष इक्वल्स कुल 8,80,111 वर्ष। अतएव परंपरागत रूप से राम का जन्म आज से लगभग 8,80,111 वर्ष पहले माना जाता है। दूसरी 5 वर्ष का एक युग की धारणा भारतीय ज्योतिषियों ने समय की धारणा को सिद्ध धरती के सूर्य की परिक्रमा के आधार पर नहीं प्रतिपादित किया है। उन्होंने संपूर्ण तारामंडल में धरती के परिभ्रमण के पूर्ण कर लेने तक की गणना करके वर्ष के आगे के समय को भी प्रतिपादित किया है। वर्ष को संवत्सर कहा गया है। 5 वर्ष का एक युग होता है। संवत्सर, परिवत्सर, इद्वत्सर, अनुवत्सर और युगवत्सर, ये युगात्मक 5 वर्ष कहे जाते हैं। बृहस्पति की गति के अनुसार प्रभावादी 60 वर्षों में 12 युग होते हैं तथा प्रत्येक युग में 5 से 5 वत्सर होते हैं। 12 युगों के नाम हैं प्रजापति, धाता, वृष, व्यय, खर, दुर्मुख, प्लव, पराभव, रोधकृत, अनल, दुर्मति और क्षय। प्रत्येक युग के जो 5 वत्सर हैं, उनमें से प्रथम का नाम संवत्सर है, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्वत्सर, चौथा अनुवत्सर और पांचवा युगवत्सर है। इस मान से देखें तो कलिकाल के 5121 में ही कई युग बीत गए हैं। 1250 वर्ष का एक युग एक पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक युग का समय 1250 वर्ष का माना गया है। इस मान से चारों युग की एक चक्र 5000 वर्षों में पूर्ण हो जाता है। यदि इस मान से देखें तो द्वापर और कलियुग के 2500 वर्ष बीत चुके हैं। मतलब ये कि 2500 वर्ष पूर्व श्री राम हुए थे क्या? यदि ये मान लेते हैं कि ये 4 युगों का तीसरा चक्र चल रहा है तो निश्चित ही फिर श्री राम का जन्म 5000 ईसा वर्ष पूर्व हुआ होगा। हम ये धारणा क्यों नहीं मानते? क्योंकि पहली बात तो ये कि युग का मान स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि यदि आप भगवान श्री राम की वंशावली के मान से गणना करते हैं तो यह लाखों नहीं हजारों वर्ष की बैठती है। जैसे श्री राम से बाद उनके पुत्र लव और कुश हुए, फिर उनकी पीढ़ियों में आगे चलकर महाभारत काल में शल्य हुए। एक शोधानुसार कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। इसके अलावा शल्य के बाद बहतुक्षय, ऊरुक्षय, बत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाश्च, भानुरथ, प्रतिताशु, सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नराश्रव, अंतरिक्ष, सुशीन, सुमित्र, बृहद्रस, धर्म, कृतज्ञ, व्रात, रणजय, संजय, शाक्य, शुद्धोधन, सिद्धार्थ, राहुल, प्रसिंजित, शुद्रक, कुलक, सुरत, सुमित्र हुए। वर्तमान में जो सिसोदिया, कुशवाह, कछवाह, मौर्य, शाक्य, बैचला, बैसला और गहलोत, गुहिल आदि जो राजपूत वंश हैं, वे सभी भगवान प्रभु श्रीराम के वंशज हैं। जयपुर राजरानी की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग के राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। अब यदि 3 पीढ़ियों का काल लगभग 100 वर्ष में पूर्ण होता है तो इस मान से श्री राम को हुए कितने हजार वर्ष हुए हैं, आप इस 309 पीढ़ी के मान से अनुमान लगा सकते हैं। आधुनिक शोध की धारणा उपरोक्त धारणा से भिन्न आधुनिक शोध पर आधारित धारणा ज्यादा सही लगती है। इस शोध का आधार रामायण में बताई गई खगोलीय स्थिति और देश भर में बिखरे सबूत है। उन सबूतों का कार्बन डेटिंग के आधार पर जांच कर उसका मिलान रामायण में बताए गए घटनाक्रम से किया गया है।
इस शोधानुसार 5114 ईसा पूर्व 10 जनवरी को दिन के 12.05 पर भगवान राम का जन्म हुआ था, जबकि सैकड़ों वर्षों से चैत्र मास मार्च की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता रहा है। एक अन्य श्लोक के अनुसार राम की जन्म दिनांक वाल्मीकि द्वारा बताए गए ग्रह नक्षत्रों के आधार पर प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर अनुसार 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9339 वर्ष पूर्व हुआ था। राम के जन्म पर कई शोध हुए हैं, लेकिन सबसे सटीक शोध प्रोफेसर तुभ्यस का रहा। वाल्मीकि के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि एवं पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तब हुआ था। इस प्रकार सूर्य मेष में 10 डिग्री, मंगलवार मकर में 28 डिग्री, बृहस्पति कर्क में 5 डिग्री पर, शुक्रवार मीन में 27 डिग्री पर एवं शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर था। बालकांड 18/8-9। शोधकर्ता डॉक्टर वर्तक पीबी वर्तक के अनुसार ऐसी स्थिति 7323 ईसा पूर्व दिसंबर में ही निर्मित हुई थी, लेकिन प्रोफेसर तुभ्यस के अनुसार जन्म के ग्रहों के व्यास के आधार पर 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व हुआ था। उनके अनुसार ऐसी आकाशीय स्थिति तब भी बनी थी। तब 12:25 पर आकाश में ऐसा ही दृश्य था जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। ज्यादातर शोधकर्ता प्रोफेसर तुभ्यस के शोध से सहमत हैं। इसका मतलब है कि राम का जन्म 10 जनवरी को 12:25 पर 5114 ईसा पूर्व हुआ था। निष्कर्ष, राम का जन्म लाखों वर्ष पूर्व नहीं कुछ हजारों वर्ष पूर्व ही हुआ था। हमें इस दिशा में शोध और विचार करने की जरूर है। राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और उन पर विरोधाभास पैदा करना उचित नहीं होगा। जरूरत है कि पुराण और अन्य ग्रंथों की बातों को छोड़कर वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है उसे सत्य माना जाए, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने ही भगवान राम और उनके काल के बारे में उचित वर्णन किया है।